टी किलोमीटर है इस बार चुनाव में किसानों के लिए इस बात के मुद्दे मतलब कांग्रेस तो जीतेगा और जिसके बाद में हमारे खाद की कमी और जिसके बाद में खाद जो आ जाता है व्यापारी के घर में तो व्यापारी यानी हमारे खाद का टाइम होता खेत में डालने का तो यानी वक्त में व्यापारी भाव बढ़ा लेते हैं व्यापारी खाद को छुपा देते हैं हमको इतनी परेशानी है मुद्दा यही है बिजली हमको टाइम से नहीं आती यूरिया यूरिया खाद एक साढ़े पाँच सौ रुपए लेती है हाँ। सरकार और अठारह सौ में बिक्रिया डी खाद तो किसान लोग क्या करेंगे थोड़े टाइम बाद पलायन चालू हो जाएगा गेहूँ काटते हैं सोयाबीन के लिए काटने के लिए जाते हैं लोग पलायन बार बार होता है साल में दो तीन बार पलायन होता है लोगों का वापस जाते हैं वापस आते हैं और ये महंगाई से जुड़... जुड़ा हुआ है महंगाई से होता है अगर इनको यहाँ रोजगार मिलेगा तो पलायन नहीं होगा यहाँ अगर रोजगार हो जाए तो अगर खेती में सही सुविधा हो जाए तो नहीं जाएंगे लोग वोट देंगे हमारे सरकार कमलनाथ की बनेगी तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी सपोर्ट प्राइस कर दी जाएगी गेहूँ की ये कांग्रेस का वचन पत्र है अभी ट्वेंटी वन है कभी भी आज दिन तक इतिहास में पांच सौ कभी भी नहीं दिए गए सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई गई किसी भी चीज वस्तु की हमें कोई लाभ नहीं मिला भाजपा भाजपा की 18 साल की सरकार हो गई अभी तक नहीं दिया उसने जो उसने जो ये बोनस दिया था वो भी नहीं दिया ने जब चुन के कांग्रेस की सरकार बनाई है तो भाजपा वालों का ऐसा क्या लालच था जो 18 महीने में अठारह महीने में विधायक खरीद लिए और सरकार गिरा दी मैम और इसमें सबसे गद्दार ज्योतिराज सिंधिया जी है हमारे गरीबों लोगों ने सरकार बनाई थी और इसी हम पूरे मध्य प्रदेश आक्रोश से 150 पार करेंगे बहुमत से सरकार बनाएंगे